हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त एडमिशन वाला हाजिर है एक नए वीडियो में। तो चलिए, आज से आप बी फार्मसी के लिए सेकंड राउंड के लिए ऑप्शन फॉर्म भरने जा रहे हो। कल उन्होंने सीट मैट्रिक्स जो आपके लिए सेकंड राउंड के लिए वैकेंसी रिपोर्ट है वो भी डाल दिया था। चलिए थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड राउंड के लिए कैसे ऑप्शन फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप, ऑप्शन फॉर्म का जो मैं हमेशा दिखा था वो तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए, थोड़ा सा जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ, मुझे भी जाने की जल्दी है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। देखिए, वैकेंसी तो आपको पता है कि कैसे देखनी है। हमारे जो वेब पोर्टल है उनका, हम उस पर कई बार लॉगिन हो चुके हैं। उसके लेफ्ट हैंड साइड में उन्होंने जो इंपॉर्टेंट लिंक है उसमें सबसे लास्ट वाला लिंक है कि प्रोविजनल वैकेंसी फॉर कैप राउंड 2। वहाँ से आप वो PDF डाउनलोड कर सकते हो और उसे देख सकते हो। तो चलिए, जब आप ऑप्शन फॉर्म के लिए जाओगे तो पहले आपको स्टडी करना होगा कि कितनी वैकेंसी, किस कॉलेज में कितनी वैकेंसी है। जनरली हम थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं इसमें। जो अलॉटमेंट का लिस्ट था और वैकेंसी का लिस्ट है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आपको दिखेगा। जनरली वैकेंसी आपको येलो में ही दिखाई देगा कि उस पर्टिकुलर एक कॉलेज, मैंने सिर्फ ये एग्जांपल के लिए लिया है एक कॉलेज, तो उसका कितना सीट्स अभी है खाली आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत वाला काम नहीं, हम देख सकते हैं कि ओपन में कितनी सीट्स है, SC में कितनी, ST में कितनी और टोटल उसकी कितनी, 32 सीट्स अभी भी उनकी भरी है। और उसके अलावा जो EWS की 3 सीट भी अभी इस कॉलेज की खाली है। तो आप अगर इस कॉलेज के नज़दीक हो कोई स्टूडेंट्स, आप देखिएगा आपका जो ऑप्शन फॉर्म है पिछला हुआ भरा हुआ और अभी जो वैकेंसी लिस्ट है और जो उन्होंने अलॉटमेंट की लिस्ट है, वो तीनों भी आप प्रेफर कीजिएगा और देखिएगा कि कितने आप नज़दीक हो और उसके हिसाब से आप अपने ऑप्शंस आगे पीछे कर सकते हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक पॉइंट है ये वाला कि अलॉटमेंट तो फुल दिखाई दी थी एक इसी कॉलेज का, अगर हम एग्जांपल ले लें। बाकी कॉलेज का मैंने थोड़ी सी गड़बड़े तो मैं देखा नहीं, पूरा स्टडी किया नहीं, लेकिन आप करो शाम तक, उसमें कुछ कमेंट्स है तो हम डिस्कस करेंगे कि एक कॉलेज है तो उसका अलॉटमेंट तो पूरा होता, सिर्फ ऑर्फन की एक जगह खाली दिखाई दी थी। देखो, हम देखेंगे, ये देखो पूरी सीट्स उसकी अलॉट हो चुकी है, लगभग पूरी की पूरी सीट्स अलॉट हो चुकी है। सिर्फ 60 नंबर की जो वैकेंट सीट दिखा रहे हो वो ऑर्फन की है और EWS की भी 6 सीटें पूरी भरी हुई थी, लेकिन ये सब भरा हुआ था लेकिन अभी तो वहाँ पे वैकेंसी दिखा रहा है, तो फिर ये कैसे? जनरली इसका मतलब यही है कि वैकेंसी अलॉटमेंट हुई है, अभी उस अलॉटमेंट के हिसाब से फर्स्ट राउंड का कट ऑफ का लिस्ट भी उन्होंने दे दिया है, अगले साल के बच्चे वही रेफर करेंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि 32 स्टूडेंट्स ने उसमें से एडमिशन अभी सिक्योर नहीं किया है। तो जो मेरा पहला, जब मैंने चैनल शुरू किया था और पहले एक दो वीडियो में से मैंने डाला था कि जो कट ऑफ होते हैं वो हमें, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए होते हैं, वो हमें पूरी सच्ची जानकारी नहीं देते, तो वो सिर्फ एक अंदाज़ा होता है। तो वो यही बात है वो कि देखिए, इसमें अभी भी सीट्स खाली है और वहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि पूरा कॉलेज का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ यही है, उसमें से जो 32 लोगों ने एडमिशन लिया नहीं है तो उनका तो फिर वो कट ऑफ में से चला जाएगा, तो वही अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा कठिन होता है। चलो देखेंगे, आगे जाएंगे तो जो बातें मैं कह रहा था तो इसी के पॉइंट मैंने यहाँ पे दिए। इसका मतलब यही है कि जिनको सीट मिली थी उन लोगों ने सीट तो एक्सेप्ट नहीं किए या फिर उसमें कुछ उन्होंने एक्शन नहीं लिए, मतलब एक्सेप्ट नहीं किए। कोई लोग मतलब फ्रीज, सेल्फ फ्रीज और बेटरमेंट के लिए नहीं गए, वो सीट खाली रहेगी। देखिए, यहाँ पे बेटरमेंट को जो लोग गए हैं उनकी सीट वैकेंसी में 100% दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा मैं साशंक हूँ, लेकिन 99% नहीं दिखाते क्योंकि वो सीट उन्होंने एक्सेप्ट की है। अभी इस कंडीशन में वो सीट उनको अलॉट हो गई है, जब तक कि वो उसे नहीं छोड़ते वो उनकी ही सीट है, तो वो नहीं दिखाएंगे। लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी शंका मेरे मन में थी ये कि क्या वो वैकेंसी में फ्री इसमें बेटरमेंट वालों की सीट दिखाते या नहीं दिखाते, लेकिन शायद वो नहीं दिखाते। इसका कंफर्मेशन आएगा तो मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। दूसरी एक बात है कि अब जो वैकेंसी दिख रहे, आप उनके नज़दीक हो तो आप उस पर चांस ले सकते हो, मिल सकता है आपको। अगर ऐसे कॉलेज की जितने जितने लोग ऊपर जाएंगे या फिर स्प्रेड होंगे तो उतना ज़्यादा चांस आपको मिलेगा उस कॉलेज में जाने का। तो एक्चुअल में जो मैंने पॉइंट ऑलरेडी कहा है ये फिर से मैंने यहाँ पे दिया है कि वो लोग तो आपको कट ऑफ दिखाते समय अब यही दिखाएंगे कट ऑफ फर्स्ट राउंड का, लेकिन एक्चुअल में उसमें कई लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है, तो उतना कट ऑफ में से उतने लोग चले जाते हैं और वो कट ऑफ एक्चुअल कट ऑफ नहीं होता। एक्चुअल कट ऑफ जब कॉलेज में एडमिशन होता है तो जब कॉलेज में वो लास्ट स्टूडेंट जो एडमिशन लेगा उसका एक्चुअल कट ऑफ होता है, वो कहीं आपको नहीं मिलता है उतना फ़र्क। तो इसलिए आपके रैंक में और कट ऑफ में उतना फ़र्क आप
पकड़िएगा, आगे पीछे उतना हो सकता है। तो आप देखिए जाइएगा, आपने जिस कॉलेज को शॉर्टलिस्ट किया था या पहले राउंड में जो आपने कॉलेज भरे थे, जो आप समझते हो कि ये अच्छे कॉलेजेस है, तो उनका आप फिर देखिए कितनी वैकेंसीज है वहाँ पे। आपके कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हो, कैटेगरी वाइज वैकेंसी का आप काउंट भी ले सकते हो, और उस काउंट के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपके आगे कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने लोग ऑप्शन डाल सकते हो आप पे, और फिर हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो थोड़ा सा आपको अंदाज़ा आ जाएगा। देखिए ऑप्शन फॉर्म भरते समय कैसे भरे, ऑप्शन फॉर्म मैंने ये दिया है टाइटल, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ कुछ बातें जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप लोगों को एक्सपीरियंस हो गया है ऑलरेडी पहले राउंड का, तो बहुत सारी बातें आपको पता भी है, फिर भी कुछ जो बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो मैं आपसे बात बोलता हूँ। जो लोग बेटरमेंट के लिए जाए तो याद रखिएगा, ये ऑप्शन फॉर्म जब आप भर रहे हो तो ये बेटरमेंट समझा जाएगा, और इसमें जो भी कॉलेज आपको लगेगा वो पहले से अच्छा है ये समझ कर आपका पहला कॉलेज चला जाएगा, और जो इस राउंड में मिलेगा वही रहेगा। तो आप डालते समय ये एक बार सोच लीजिएगा कि मुझे जो मिला है क्या इससे बेटर है, ये मुझे चाहिए उस ये नहीं चाहिए तो ये चाहिए क्या, अगर उसको खुद को क्वेश्चन पूछिएगा और फिर ऑप्शन वो डालिएगा। कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि गड़बड़ी में कुछ कॉलेजेस ऐड करते जाते हैं और रैंडमली क्लिक करते जाते, ये तो बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, ऐसा प्लीज़ मत कीजिएगा। आप देखिएगा अपने ऑप्शन शॉर्ट लिस्ट कीजिएगा और उनको ही सिर्फ ऐड कीजिएगा। दूसरी बात ये कि आप बहुत ही ऊपर क्या डालोगे बेटरमेंट के लिए तो बेटरमेंट आपको नहीं मिलेगी, या फिर आप बहुत ही नीचे का डालोगे तो आपका जो फ़िलहाल जो करंट कॉलेज है उससे भी निचला कॉलेज आपको मिलने की शक्यता है, तो बाद में फिर आपको करेक्ट करना पड़ेगा थर्ड राउंड में, और एक ही चांस फिर आपके पास रहेगा करेक्ट करने का। तो फिर सोच समझ कर ये ऑप्शन फॉर्म भरेगा, जो बेटरमेंट वाले वो तो बहुत ही सोच समझ कर फॉर्म भरेगा। कुछ ऐसे भी कमेंट्स आई है कि गलती से उन्होंने बेटरमेंट ऑप्शन चुना, लेकिन उनको जो मिला है वही कॉलेज उनको चाहिए। अगर उनको ऐसा है आपको जो मिला था फर्स्ट राउंड में वही आपको चाहिए, बेटरमेंट को आपको जाना नहीं था लेकिन गलती से आप गए, तो इस राउंड में फिर आप दो बातें कर सकते हैं, या तो कुछ ऊपरी तौर के जो ऊपर के बहुत ही ऊपर के वही ऑप्शन अगर आपने दिए तो फिर आपका बेटरमेंट नहीं होगा, और जो आपका कॉलेज है पहला वो फिर आप सेकंड राउंड के बाद 11 में जाकर उसे फ्रीज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत का काम नहीं है। देखेंगे उनका जिनका कॉलेज नहीं मिला था, तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है इस राउंड में। देखो आपने गलती कहाँ की थी, बहुत ही ऊपर के ऑप्शन डाल दिए थे या फिर आपने बहुत कम ऑप्शन दिए थे, तो उसमें से आप देखो क्या किया था आपने। आपके रैंक के हिसाब से अब जो आपको तो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ का लिस्ट है आपके पास, उसमें देखिए कौन से कॉलेज आपके नज़दीकी रैंक को क्लोज हुए थे, और बहुत ही अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि ओपन का 30-35,000 तक शायद आया था, उसके नीचे नहीं आया था, तो अगर उसके बहुत ही आप दूर हो तो फिर आपको सभी कॉलेजेस का विचार करना चाहिए, और अगर उसके थोड़ा सा नज़दीकी जो भी आपकी रैंक होगी उस रैंक के आसपास आप कॉलेज चुनिएगा, उसमें उसमें आप सीक्वेंस लगाइएगा कौन सा आपको कॉलेज पहला चाहिए, और बहुत ही अगर नहीं मिला तो मुझे ये कॉलेज भी चलेगा, फिर वो आप ऑप्शन डाल दीजिएगा। कुछ ऑप्शन आपके जो रैंक के नीचे की भी एक दो ऑप्शन जो आपको पसंद है ओनली वो भी आप ले सकते हो, तो फिर आपको इस राउंड में कॉलेज मिलने की शक्यता ज़्यादा है, फिर आपको कॉलेज मिल जाएगा। और फिर अगर आपको बहुत ही निचला बहुत नीचे डालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपके जो रैंक है उसके एक दो कॉलेज नीचे से डाल दिया और आपको मिल गए थे, फिर थर्ड राउंड में आप उसको बेटरमेंट के लिए जा सकते हो और ट्राई कर सकते हो कि अच्छे से अच्छा कॉलेज आपको मिल सके इस राउंड में भी। तो चलिए कुछ बातें थोड़ा सा ये करेंगे कि आप अभी जो ऑप्शन फॉर्म भर रहे हैं, आपको पता भी हुआ होगा सब स्टूडेंट्स को कल से शाम को शायद रात को ये ऑप्शन फॉर्म शुरू हुआ था, तो पहले राउंड का ऑप्शन फॉर्म आप इंपोर्ट कर सकते हो, वो सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, उसमें आप एडिट कर सकते हो या फिर कुछ जो कॉलेज आपको नहीं चाहिए वो रिमूव कर सकते हो। बेटरमेंट वालों अगर आपने जो जो ऑलरेडी आपको कॉलेज मिला है उसको फिर से डालने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर के सभी जो कॉलेज आप ऑप्शन डालोगे तो उनके आपके उस ऑप्शन के ऊपर के ही सिर्फ ले लो। पिछली बार कुछ स्टूडेंट्स ने ये गलती की थी, सिर्फ फॉर्म डी के ही ऑप्शन डाले थे और फिर सबमिट किया था, उनको लगा था कि ये एक बार भरना है फिर दूसरी बार फार्मसी के लिए ऑप्शन डालेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, एक ही ऑप्शन फॉर्म है, आप उसमें दोनों ऑप्शन मिक्स कर सकते हो। किसी एक कॉलेज का अगर आपको फॉर्म डी चाहिए तो वो आप ऊपर ले सकते हो, फिर उसी कॉलेज का या फिर दूसरे कॉलेज का फार्मसी का ब्रांच फार्मसी का जो स्ट्रीम है वो चाहिए तो फिर आप दोनों ऑप्शन आप मिक्स कर सकते हो, उसको आगे पीछे कर सकते हो, ऐसी ज़रूरत नहीं कि एक फॉर्म सबमिट करने के बाद ही दूसरा फॉर्म आपको भरना है। ये बात आप समझ में भी आई होगी स्टूडेंट्स के, लेकिन मैं फिर भी आपको एक नोटिस दे कर रहा था ये बात कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो चलिए देर बहुत हो चुकी है, मुझे भी
जाना है तो इस वीडियो में बस देते हैं यहाँ पे विराम। कीजिएगा मेरा चैनल सब्सक्राइब, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। अगर कुछ है अपडेट तो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। चलिए ऐसे ही हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।